आ जाओ भाई, आ जाओ, ये दो दुखी और आगे। आप लोग भी कुछ सुझाओ, ये हम सबकी परेशानी है। क्या जॉन भाई, आप भी इस बैठक से परेशान है क्या? ये क्या मुसीबत है भाई, बाहर के काम से ही फुर्सत नहीं, उसके साथ ये घर की अलग से। ये घर वालियों की बैठक एक समस्या बन गई है। ठीक कहा आपने। सही। सुनो भाइयों, उधर देखो, सारी समस्याओं की जड़ आ रही है। इस लड़की ने हमारे गांव में पूरा समूह बना दिया है। यही है ना हमारे कैलाश भैया की बेटी बीना। नमस्ते भाई लोग। आप सब यहाँ क्यों खड़े हो, कोई विशेष बात है क्या? क्या करें, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, हमारी घरवालियाँ बैठक कर रही हैं। वो कब आएंगी, कब हमें खाना मिलेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। राजा भैया, इतने गुस्से में क्यों हो? देखो बीना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी घरवाली का समूह से जुड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपके बार बार कहने पर मैंने मान लिया। मैंने सोचा समूह माने बचत। ये बैठक शैठक क्या है? हाँ भैया, अब मैं समझी आप लोगों के गुस्से का कारण क्या है। जवान बेटी को अकेले घर में छोड़कर मेरी घरवाली भी बैठक में जाकर बैठी है। अरे भैया, मेरी घरवाली भी मेरे बेटे को छोड़कर बैठक में जाकर बैठी है। अरे मेरी बात सुनो, अब चिल्लाने से क्या फायदा। मैं अपनी घरवाली को घर में बंद करके कुंडी लगाकर आया हूं। प्रॉब्लम खत्म। मेरी बहन की हालत तुम्हें पता है ना बीना, उसे बैठक में जाने की क्या जरूरत है? हम लोग बहुत गरीब हैं, काम करेंगे तो ही पेट भरेगा। बैठक के बहाने समय बर्बाद करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हम फैसला करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, चलो जाओ 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 जाओ, चलो चलते हैं। अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? बैठक में जाकर सभी को खींचकर घर लाकर बिठाएंगे, और ताला भी लगाना मत भूलना। अरे इतने गुस्से में मत आओ भैया। फिर क्या करें? जरा सोचना, बहन लोग बैठक में जाती है सिर्फ यही आपको पता है, वो क्यों जा रही है और उधर क्या कर रही है ये आप लोगों को पता नहीं है। और क्या करेगी, बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाएगी? नहीं, स्वयं सहायता समूह की बैठक गप्पे शप्पे मारने के लिए नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। फिर राजा भैया, आप मंदिर जाते हो ना, वहाँ क्या प्रार्थना करते हो? क्या करूँगा, अपने परिवार की भलाई के लिए और अपनी बेटी के भविष्य के लिए। सैयद भैया, आज शुक्रवार है ना, आप नमाज पढ़ते ही होंगे, आप खुदा से क्या दुआ करते हैं? अपनी बहन के लिए। जॉन भैया, आप भी अपने बेटे के लिए चर्च जाकर प्रार्थना करते हो ना? बैठक में बहनों का पहला काम यही है, प्रार्थना। घर परिवार की भलाई के लिए, पास पड़ोस की भलाई के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, पूरे गांव की भलाई के लिए बहनें प्रार्थना करके ही बैठक की शुरुआत करती है। किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करना और सभी की भलाई के लिए कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करना, ये भगवान को बहुत पसंद है। ऐसी प्रार्थना में बहुत ताकत है और मालिक जल्दी सुनता है। यकीन नहीं हो रहा है, चलिए दिखाती हूँ। अरे भाई लोग, मैं भी आ रहा हूँ।
जात पात भेदभाव के बिना। देखो बहनें किस तरह प्रेम भाव से बैठी हैं। गोलाकार में बैठना समानता का प्रतीक है। गोलाकार में बैठना एकता का प्रतीक है। बैठक के माध्यम से बहनों में समानता की भावना आएगी और एकता बढ़ेगी। आज हमारी बैठक में बैंक मैनेजर साहब शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उम्मीद स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई सभी बहनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपके समूह ने हमारे बैंक से 2 लाख ऋण पाने के लिए एप्लीकेशन दी है ना? जी हाँ। हमारे बैंक में एक नियम है, हम मजबूत और आदर्श समूह को ही लोन मंजूर करेंगे। हमारा समूह भी आदर्श समूह है साहब। आदर्श समूह का लक्ष्य क्या है बताओ बहन? आदर्श समूह 5 सूत्र का पालन करना, नियमित बैठक करना, नियमित बचत करना, आंतरिक लेन देन करना, सही समय पर उधार वापस करना और सही तरह हिसाब किताब रखना, ये है आदर्श समूह का 5 सूत्र। ये यहाँ कैसे पहुँची? शाबाश। अब ये बताओ आपके समूह को चलाने वाले कौन हैं? एक नहीं, हम सब मिलकर समूह को चलाते हैं। आपके समूह की पूरी जानकारी किसके पास है और कौन मुझे बताएगा? हम सभी के पास है। हमारे समूह का नाम है उम्मीद और हमारे समूह की उम्र है 6 महीने 15 दिन। हमारे समूह में 15 सदस्य हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब तक एक एक सदस्य की बचत हुई 650 रुपया और समूह की बचत हुई 6,500 रुपया। हमने आंतरिक लेन देन किया और 4 बहनों को ऋण भी दिया। अब तक 300 रुपया ब्याज भी आ गया और हमने 200 रुपया जुर्माना भी वसूल किया। इस 6 महीने में हमारे समूह का खर्च केवल 50 रुपया। ना ना, 50 नहीं 60 रुपया। आज हमने अपने मेहमान की चाय के लिए 10 रुपया और खर्च किए। बस बस बस, मैं बहुत खुश हो गया। समूह की जानकारी आप सभी के पास है। सर, हम हर एक निर्णय, हर एक लेन देन बैठक में सबके सामने करते हैं, इसलिए हम सभी के पास समूह के पूरी जानकारी है। मैंने आपके समूह का पूरा हिसाब किताब देखा, बहुत अच्छी तरह लिखा है। इससे मेरे अंदर विश्वास आया, आप पूंजी को सही जगह इस्तेमाल करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, इसीलिए मैं समूह को लोन सैंक्शन करने का निर्णय लेता हूँ। आप सभी को एक बार बैंक आना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। देखा ना राजा भैया, हम गरीबों को पूरा गांव घूमने पर भी 100 रुपया उधार नहीं मिलेगा। गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन बैंक मैनेजर ने इस समूह को एकदम 2 लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया, क्योंकि बचत करना हो, उधार देना हो, उधार वापसी हो, हर एक लेन देन हमारी बहनें बैठक में ही करती है, सबके सामने ही कर रही हैं, और पैसे गबन होने की मौका भी नहीं है। इस समूह में पूंजी को सुरक्षा मिल गई और पूंजी दिन ब दिन बढ़ रही है। इस तरह के अनुशासन देख कर बैंक मैनेजर ने इस समूह को ऋण मंजूर किया। हर हफ्ते अच्छी तरह बैठक करने वाले समूह को बैंक के माध्यम से ऋण मिलना बहुत आसान है। मैनेजर साहब तो चले गए, अब आप सब लोग बताइए, आप लोग तो खुश हैं ना? हाँ, एकदम खुश है। हमने पिछले महीने 3 परिवारों के लिए परिवार विकास योजना बनाई थी। बैंक से आने वाले पैसे को हम उन 3 परिवारों के विकास के लिए उपयोग करेंगे। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। रानी दीदी, चुने हुए 3 परिवारों में से
आपका परिवार भी है। फिर एक बात बताइए, उधार लेकर आप क्या करेंगी? मेरी बेटी ललिता 10वीं कक्षा में है, वो प्रथम श्रेणी में पास हुई है। हाँ हाँ, ललिता बहुत होशियार लड़की है। लेकिन रानी दीदी, मैंने तो सुना राजा भैया इस बात से नाराज हैं, ललिता को आगे पढ़ाना उनको पसंद नहीं और वो बहुत गुस्से में है। ये सच नहीं है, मुझसे ज्यादा वो ललिता की पढ़ाई पसंद करते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण उनकी कमजोरी गुस्से में बदल जाती है। ठीक है, इसी हफ्ते में आप ललिता को कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हैं, आपका और राजा भैया का सपना पूरा हो जाएगा। आखिर कब तक इसी तरह रोती रहोगी? तुम्हारे रोने से जो गया वो क्या वापस आएगा? अगर आएगा तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ रोएंगे। मुन्ने, हम सब समूह में क्यों जुड़े हैं? इस तरह बैठक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, मिलकर परेशानियों से लड़ने के लिए। मुन्नी, तुम हमारी बेटी के जैसी हो, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। तुम्हारे भविष्य के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। मेरे लिए कोई अब भी भविष्य है, मैं तो मरना चाहती हूँ।